दिस इज हिमांगी एंड वेलकम टू माई चैनल। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। ऑल्सो आई एम बैक इतने सारे टाइम बाद। 2022 की फर्स्ट हॉल वीडियो है जो कि मिंत्रा ट्राउजर हॉल है। तो इस बार मैंने काफ़ी सारे ट्राउजर्स एंड पैंट मिंत्रा से ऑर्डर किए हैं, वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। मिंत्रा पे काफ़ी टाइम पर मेरी विश लिस्ट में एक जीन्स पड़ी हुई थी H&M की, जो कि मुझे चाहिए थी, बट उसकी प्राइस उस टाइम पे 2000 समथिंग के आसपास दिखा रहा था। लेकिन जैसे सेल स्टार्ट होती है उसकी प्राइस 600 आ गई। तुरंत मैंने वो जीन्स 32 साइज़ में ऑर्डर कर दी। पर गेस व्हाट, जब वो जीन्स ये जीन्स मुझे रिसीव हुई, आई मीन जीन्स तो इतनी ज़्यादा प्यारी है, बट लुक क्या मैं इसे पहन सकती हूँ। मतलब इसकी वेस्ट साइज़ इतना ज़्यादा छोटा है, ये 32 कहीं से भी नहीं लगा। इवन ये मुझे ऊपर भी नहीं चढ़ रहा है। सो लेट्स टॉक अबाउट द जीन्स। जो वेस्टेड वाइड लेग जीन्स है एंड इसका डेनिम भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मटेरियल इसका 100% कॉटन है। इसकी ओरिजिनल प्राइस है 2299, जो कि मुझे मिली सेल में मिली है 1600 आई गेस 1600 की। जो भी प्राइसेस है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ चेकआउट कर सकते हो। बट या आप ये जीन्स अपने विश लिस्ट में डाल सकते हो, जब भी ये आई थिंक स्टॉक में आप इसको परचेज कर लेना, ठीक है। इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट परचेज है वो मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज़ माई नेक्स्ट परचेज। इट इज़ इन चारकोल कलर, साइज इसका 30 है एंड इट्स अ स्लिम फिट जीन्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। मटेरियल इसका कॉटन है एंड इसकी एक्चुअल प्राइस है 2000 रुपीज़। मुझे ये जीन्स पड़ी है सेल में ओनली 649 या 650 की। और ये मुझे इस जीन्स से जीरो एक्सपेक्टेशन थी, पर जब वही मैंने इसको ट्राई करके देखा, ये इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, आई वॉज लाइक वाओ। सो गाइज, यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि इस जीन्स का फिट कितना ज़्यादा अमेजिंग है। ऑल्सो इट इज़ प्रॉपर हाई वेस्टेड एंड 649 में आपको इतनी अच्छी जीन्स मिल रही है, तो आई से इट्स अ मस्ट बाय जीन्स। माई नेक्स्ट परचेज इज दिस पैंट। आई थॉट कि ये लेदर पैंट है, बट इसका मटेरियल लेदर तो नहीं है। मैंने इसको साइज 30 में ऑर्डर किया, फिर भी ये जो पैंट है मेरे को थोड़ा सा लूज बैठ रहा है। आई थिंक 28 साइज फिट बैठेगा इसके लिए। इट्स अ पैरेलल ट्राउजर जो कि हाई वेस्टेड है प्रॉपर एंड ये है ब्रांड ससफराज से। इसमें पीछे आपको इलास्टिक भी दी हुई है जो आपकी वेस्ट के अकॉर्डिंग फिट हो जाएगी एंड आगे आपको इस तरीके का बटन्स मिल जाते हैं इसको हुकअप करने के लिए। और इसमें 2 पॉकेट्स आपको दी हुई है एंड इसकी ओरिजिनल प्राइस है 2000 रुपीज़, बट सेल में मैंने इसको परचेज किया है ओनली 800 रुपीज़। सो गाइज, दिस लेदर पैंट इज़ सुपर डुपर कम्फर्टेबल। ऑल्सो ये पैंट आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और पहनने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं। इसका जो मटेरियल है वॉर्म नहीं है, इसीलिए ये पैंट गर्मियों की सीज़न के लिए बेस्ट रहने वाले हैं और पहनने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड भी लगते हैं। सो नेक्स्ट इज दिस वाइट पैरेलल ट्राउजर जो कि है ब्रांड, मैं इतनी काली की लग रही हूँ। ओके, सो वाइट पैरेलल ट्राउजर जो कि है ब्रांड ससफराज अगेन एंड इसका साइज है 30, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा सा मेरे को टमी में ये टाइट बैठ रहा है। ओरिजिनल प्राइस है 1699 जो कि, और ये मेरे को पड़ा है, अभी बता दो, तो ये मेरे को पड़ा है 679 में। तो 679 फॉर अ गुड ट्राउजर, इट्स अ गुड डील। अगर मैं आपको जेन्युइन एडवाइस दूँ तो ये वाइट ट्राउजर इट्स अ मस्ट बाय ट्राउजर। ट्राउजर बहुत अच्छा है ये, क्वालिटी वाइज भी 10 out of 10। बस ओनली ड्रॉबैक है इसकी, मेरे को लेंथ में छोटा बैठ रहा है, पर मेरे से शॉर्ट हाइट वाले पीपल डेफिनेटली पहन सकते हैं, खरीद भी सकते हैं और बहुत ज़्यादा ये अच्छा भी लगने वाला है। सो आफ्टर वियरिंग ये मेरे पे कुछ ऐसा लग रहा है, ये पैंट बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो अगर आप इस पैंट को परचेज़ करने के बारे में सोच रहे हो, अगर और आपकी हाइट मेरे से कम है, सो यू शुड गो फॉर इट, इट्स अ नाइस पैंट ओवरऑल। उसी की तरह मैंने एक ये ब्लैक ट्राउजर ऑर्डर किया है। लुक, इट्स अ ब्लैक पैरेलल कॉटन ट्राउजर्स। इट कम्स विद 4 पॉकेट्स, 2 पॉकेट्स में आगे हैं, 2 पॉकेट्स में पीछे दे रखी हैं आपको। एंड यह ब्रांड ससफराज से, इसकी ओरिजिनल प्राइस है 1999। मैंने इसको परचेज किया है 799 में, मतलब 800 रुपीज़ में 1 रुपीज़ कम। ट्राउजर तो ये बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मटेरियल इसका कॉटन है, वाइट लेग है, ब्लैक कलर है, 800 रुपीज़ में मिल रहा है, सब कुछ ठीक है। पर पता है इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको जेन्युइन चीज़ें बताती हूँ। देखो, मैंने जब इसको पहन के देखा, इसका जो बटन है, मैं इसको ऐसे लगाती हूँ, ये बार बार खुल जाता है, बार बार खुल जाता है, बार बार खुल जाता है। मतलब
क्या मैं इसको कैसे पहनूं, मैं इसको पहनती हूँ तुरंत ऐसे ही खुल जाता है। मतलब थोड़ा सा तो बटन आपको अच्छे से देना चाहिए था, ये क्या बटन चलेगा बताओ, ये तो बैठने में खुल जाएगा। इसीलिए ये एक ड्रॉबैक है इस जीन्स का। इस जीन्स की वजह से मैं इसको 10 में से दूंगी सिर्फ 6 पॉइंट्स, सिर्फ एक बटन की वजह से। व्हाट इज दिस बिहेवियर सैसेफ्रास? एक जीन्स में आप अच्छे से बटन दे सकते थे, मुझे समझ नहीं आता इस जीन्स में ये सस्ता सा बटन देने का क्या मतलब था। एज यू गाइस कैन सी कि ये ट्राउज़र भी पहनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये मेरे को थोड़ा सा लेंथ में छोटा है बिकॉज़ मेरी हाइट 5'9" है, अदरवाइज़ ये ट्राउज़र बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। ओनली प्रॉब्लम जो मुझे लगती है वो इसके बटन में, अगर वो इशू इसका सॉल्व हो जाए तो ये ट्राउज़र भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो मेरा जो नेक्स्ट ट्राउज़र है वो मैंने मिंत्रा टॉप हॉल की वीडियो में किसी एक टॉप के साथ मैंने पेयर अप किया था और वो इतना ज़्यादा अच्छा लगा था। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने मेरे से उसकी लिंक भी पूछी थी और मैंने उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की थी। तो मैंने सोचा था कि जब भी मैं मिंत्रा के ट्राउज़र या पेंट हॉल की वीडियो बनाऊँगी उसमें मैं इस ट्राउज़र को ज़रूर मेंशन करने वाली हूँ। सो हेयर इज़ दैट ट्राउज़र। इट्स अ बीच कलर का ये ट्राउज़र है, इसको मैंने काफ़ी बार तब से बहुत टाइम पहन लिया। तो ये पैंट प्रॉपर वाइड लेग है एंड ये लेंथ में भी मुझे बिल्कुल ही परफेक्ट आ रहा है एंड क्वालिटी ऑफ दिस पैंट इज़ सुपर सुपर अमेजिंग। ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड इस पैंट में आपको इस तरीके के बटन मिल जाते हैं, मुझे नहीं पता इन बटन्स को क्या बोलते हैं बट ठीक है। ऑल्सो इसमें एक एक्स्ट्रा बटन भी आपको मिलता है इन केस अगर ये बटन निकल जाए तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। दिस पैंट इज़ फ्रॉम ब्रांड टोके टोकीज एंड साइज़ है इसका 28। मिंत्रा पर ये जो ट्राउज़र आपको 830 या 800 के आसपास आपको मिल जाएगा बट मैंने इसको परचेज़ किया है 649 में। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि आप इसको अपनी विश लिस्ट में डाल सकते हो, जब भी इसके प्राइसेस ड्रॉप हों आप इसको परचेज़ कर लेना। इसके जैसा मैंने एक और ट्राउज़र ऑर्डर किया था ब्लैक कलर में, जो भी मैं आपको दिखाती हूँ उससे ये फार बेटर है, बहुत अच्छा है, तो आप इसको डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हो। सो हेयर यू कैन सी कि ये पैंट पहनने के बाद कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ऑल्सो ये पैंट कंफर्टेबल तो है ही है एंड इतनी बार मैंने ये पहना है और इसको मशीन में वॉश भी किया है पर ये पैंट बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए, आयरन करो ये बिल्कुल ही अच्छे हो जाते हैं। सो बीच कलर के ट्राउज़र की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी निकली थी तो मैंने सोचा कि मैं इसमें दूसरा कलर भी मंगा लेती हूँ, बट ये जो ब्लैक कलर का ट्राउज़र है इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी उस ट्राउज़र की है, इसीलिए ये ट्राउज़र जो है मैंने पहना भी नहीं है एंड ये मैंने परचेज़ किया था 721 रुपीज़ में। It for today's haul. मैं थक चुकी हूँ बोलते बोलते। This is it for today's video. और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन सा वाला ट्राउज़र सबसे ज़्यादा पसंद आया और इफ़ अगर आप इसमें से कोई ट्राउज़र परचेज भी करते हो तो आप उसकी अपने इंस्टाग्राम पर उसकी पिक्चर पोस्ट करना और उसमें मैंशन करना जिससे कि मैं आपके पोस्ट को या फिर स्टोरी को रीशेयर कर पाऊँ अपनी स्टोरी पर। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल इधर उधर नीचे ही कहीं मैंशन कर दूँगी। एंड यहाँ अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इतने पेशेंस के साथ। आई लव यू ऑल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।